से प्लेकार्ड पकड़ा कि बहन मेरी मर्जी उसकी अपनी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, बहन मेरी मर्जी उसकी अपनी। आमतौर पर हम कैद कर देते हैं कि ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारी बीवी है। इन रिश्तों से बालातर होकर हम औरत को देखते ही नहीं है। तो मकसद ये है कि बहन भले ही मेरी हो, मर्जी उसकी अपनी है हर मैटर में। नो मैटर व्हाट शी वांट्स टू डू, वेयर शी वांट्स टू गो, जो कुछ करना चाहती है करे। बिल्कुल उसको, उसकी लाइफ में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो उसकी अपनी चॉइसेस हैं। वो जिस तरह से मर्जी अपनी जिंदगी गुजारना चाहे, मौशी तौर पे, सियासी तौर पे, जिंसी तौर पे, इट्स हर ओन राइट। यानी कि निकाह से पहले भी अगर वो कहीं जाना चाहती तो जा सकती है। ये बातें जो है ना, ये बिल्कुल ऐसी ये फजूल बात है। ये निकाह क्या है, ये वो, ये सब बातें इसको फजूल कैसे कह सकते हैं सर? वी आर लिविंग इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। मतलब ठीक है, मैं आपकी इस बात से जो है ना, इस सवाल का मैं आई विल जस्ट लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये सब बातें जो है ये हमारे माशरे के में जो है ये किसी हद तक अभी तक रेलिवेंट है, लेकिन ये इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। क्या लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए इस पे? देखिए, कोई लिमिटेशन ना बहन पे होनी चाहिए, ना बीवी पे होनी चाहिए। हम कौन होते हैं लिमिटेशन डिसाइड करने वाले? ये हमारा हक है, हम उनके भाई हैं, हम उनके शोहर हैं, ये हमारा हक है, आपका हक है। ये बिल्कुल जो है ना, ये आपकी सोच बहुत पुरानी, कई सदियों पुरानी सोच है। आज के दौर में औरत और मर्द बिल्कुल आजाद है। इनको दोनों के हकूक बराबर हैं, दोनों को ये हक है कि वो अपनी मर्जी से ये डिसाइड कर सके। आजादी के नाम पर यूरोप में फैमिली सिस्टम तबाह हो गया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये हम जिस माशरे में जिंदा हैं, यहाँ पर और बहुत सारे मसले हैं। फैमिली सिस्टम को तबाह करने की हम बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं कि औरत बात हो जाती है ना जब आजादी आ गई। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। बियॉन्ड दी लिमिट्स आजादी देंगे तो तबाही आएगी। कोई लिमिटेशंस जो है वो डिसाइड करने वाले आप और मैं नहीं है। जो हमारे घर में बेटी है, बहन है, हमारी वालदा है, हमारी बीवी है, नो मैटर हु द वुमन इज, यू नो, वो सिर्फ रिश्तों से आप उसको डिफाइन ना करें कि ये हमसे ताल्लुक है। अमार, मैं अपनी बहन को कहता हूँ कि आप हिजाब पहने, ये मेरा राइट है कि मैं उसको कह सकता हूँ? आपका राइट नहीं है ना। ये आपका राइट किस तरह कि आप अपनी बहन को ये कहें कि वो हिजाब पहने या वो जीन्स ना पहने या वो आपके लिए जो है आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे? मैं तो कहूंगा। तो ये फिर आपकी सोच को बदलने की जरूरत है। आपकी सोच आप अपनी सोच बदले या मेरी बदलने, इसमें ऐसा नहीं है। ये हमारा